भारतीय समाज सेवा संस्था की पंजाब प्रधान पूजा मान से हम बात करेंगे, क्या क्या ये लोगों के लिए करती हैं और क्या क्या सेवादान इन्होंने आज तक किए हैं। पूजा जी बताइए कि क्या क्या आप गरीबों के लिए, किसके लिए क्या क्या करती हैं। हाँ जी, सबको जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम। मैं पूजा महंत जनता चौक से, मैं यही करती हूँ, समाज सेवा संस्था बनाई है गरीबों की मदद करने के लिए, और जो कोई बीमार है उनके पास इलाज के लिए कुछ नहीं है उनकी मदद करने के लिए, और गरीब बहन बेटियों की शादी के लिए, ये सब कुछ हमने चलाई है। और जिन बहन बेटियाँ दुखी हैं, परेशान हैं, उनके साथ उनको हक दिलवाने के लिए ये संस्था बनाई है। आप क्या लोगों से क्या अपील करते हो कि कैसे लोग आपसे जुड़े, कि अगर किसी को कोई समस्या है या कोई हॉस्पिटल में, कैसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं और कैसे आपको टाई अप करके अपनी मदद करवा सकते हैं, उसके लिए क्या आपकी अपील है जनता के लिए। हमारी यही अपील है जनता के लिए कि हमारी संस्था को चलाने का हमारा साथ दो, और गरीबों की मदद करने के लिए, और जो कि हम ये भी चाहते हैं कि हम एक डिस्पेंसरी भी बनाएं सरकार की तरफ से और उसको चलाएं अच्छे से, जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो, और गरीब बहन बेटे की शादियों में कोई भी कमी पेशी होती है, ये सब करने के लिए हमने ये संस्था चलाई है गरीब लोगों के लिए, उनको उनका साथ देने के लिए। डिस्पेंसरी बनाने के लिए क्या लोग के मौके में मौजूद कांग्रेस के पंजाब हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू, हाँ जी, जो है हेल्थ मिनिस्टर, क्या उनके लिए आप उनसे मुलाकात करेंगे, उनको कोई एप्लीकेशन देंगे कि आपने डिस्पेंसरी तैयार करनी है, कुछ ऐसा आपका समुदाय यहाँ पर कुछ जाएगा किन्नर समुदाय की, हम ये डिस्पेंसरी ओपन करना चाहते हैं तो सरकार हमें कितनी मदद करे, और कितना आप अपनी तरफ से बनवाएंगे, सरकार की मदद लेंगे, सरकार की भी मदद लेंगे, कुछ जो हमसे भी होगा, जो हम लोग गरीब लोगों से ब्याह शादियों का शगुन लाते हैं, जो हमसे भी जुड़ेगा वो हम भी देंगे, और सरकार से भी पूरी पूरी मदद लेंगे, और हो सके उनको चिट्ठी भी डालेंगे कि हमें अपना डिस्पेंसरी चलाना है गरीब लोगों के लिए, जिसमें कोई इलाज के कोई मुफ्त इलाज हो गरीबों का, और उनको अच्छा सा सहयोग मिले। तो कहाँ खोलना चाहते हैं अभी डिस्पेंसरी? हम यही मोहाली जिले के अंदर कहीं भी जहाँ से सरकार कहेगी वहीं पर हम अपना शुरू करेंगे। बताइए कि क्या आप ये जो समाज भारतीय समाज सेवा संस्था आपका क्या इसमें होता है और आप क्या इसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं? हाँ जी, देखो जी, हमारी संस्था का नाम है भारतीय समाज सेवा संस्था, जिसमें जिसका हेड ऑफिस अपना उत्तर प्रदेश गोंडा में है, और अनिल यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किन्नर समुदाय, पंजाब किन्नर समुदाय के अपने पूजा महंत जी जो खरड़ जिले से बिलोंग करते हैं, वो इस पूरे पंजाब में भारतीय समाज सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट है, और मैं मनीषा महंत इस भारतीय समाज सेवा संस्थान की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इस ये हमारी एक अराजनीतिक संस्था है जो समाज के हित के लिए कार्य करती है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है, और जन कल्याण के लिए। एक महीना हुआ है आपने संस्था रजिस्टर करवाई है, जो भी संस्था करा है, तो अभी तक कितने लंगर या कितना लॉकडाउन में आपने कितना किया, जो कोरोना की महामारी चल रही थी, तो उस रिगार्डिंग आपकी संस्था ने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा व्याख्यान कीजिए। देखो, हमारी संस्था ने घर घर जाके है ना गरीब लोगों को राशन बांटा लॉकडाउन में, और बच्चों को जो बच्चे पढ़ते हैं है ना उनकी उनको पढ़ाई लिखाई का सामान उनको बांटा, और जो गरीब लड़कियाँ होती हैं जो या बेसहारा बच्चे होते हैं, तो गरीब लड़कियों की हमने शादियां भी करवाई है, और बेसहारा बच्चे होते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं अनाथालय में जा जाकर हमने दान भी किया है, और हमारी ये संस्था आज भी ही कार्य करती है, कल भी ही कार्य करेगी, और हमेशा ही कार्य करती रहेगी कि लोगों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, और हम हर एक जन जन से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारी संस्था से जुड़े और जन कल्याण हेतु अब कार्य करने में भागीदार बने। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।